नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। गुजरात के मोरबी में रविवार को पुल हादसे में करीब 91 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन अब वही बढ़कर 150 हो गई है, जबकि अब तक की कई लापता है। इन्हें तलाशने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। लापता लोगों को ढूंढने में पुलिस NDRF के अलावा नौसेना के जवान भी शामिल हो गए। इस बीच इस हादसे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से बचाव कार्य में हर संभव मदद करने की भी अपील की बात की है। खड़गे ने इस हादसे को लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से हुई त्रासदी से गहरा दुख हुआ है। मैं कार्यकर्ताओं से बचाव कार्य में हर संभव सहायता देने और घायलों की मदद करने की अपील करता हूं। मेरी संवेदना और प्रार्थना शोक उन परिवारों के साथ है। वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि पुल गिरने की खबर बहुत दुखद है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोरबी में पुल दुर्घटना की खबर बहुत दुखद है। मैं ऐसे कठिन समय में सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से दुर्घटना में घायल लोगों के हर संभव सहायता देने और लापता लोगों की तलाश में मदद करने की अपील करने की बात करता हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील के तुरंत बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। इसके बाद सभी राहत कार्यों में जुट गए। देर रात तक घटनास्थल पर पुलिस NDRF और नौसेना के जवान राहत बचाव कार्य में लगे हैं। इस संबंध में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने भी कई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान से लोगों को नदी से सुकशल निकालने में लगे हुए ये दिखाती नजर आई है। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। लोग चढ़कर गए थे तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। तो हम कांग्रेस पार्टी के ओर से और सारी जनता के ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या NDRF के हो उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सभी कोशिश पूरा करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और हमारे लोग अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे कॉरपोरेटर पहुँच चुके हैं और अभी हमारे बाकी के इवन अशोक गहलोत साहब जो वहाँ पर से हमने कहा कि उनको पहुँचने के लिए वो भी पहुँच रहे हैं और हमारे सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने का। और इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज़ के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। ब्लेम उसी वक्त आएगा जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो कुछ होगा होगा। और इस वक्त फिर एक बार मैं अपने एक भक्तपूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसी से
मैं अपनी बात को समाप्त।